नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं माधव शर्मा खुश जीवन राशिफल के YouTube चैनल की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। 27 अगस्त 2021 के पंचांग के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, और जिन्होंने भी हमारा खुश जीवन राशिफल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सभी वीडियोस आप तक पहुँच सकें। कमेंट बॉक्स में अपने ईष्ट भगवान का नाम जरूर लिखें। पंचांग शुरू करने से पहले जानते हैं आज क्या विशेष रहने वाला है। आज के दिन कुमार योग और सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा, जो कि सूर्योदय से लेकर और अगले दिन यानी सुबह सुबह 12:47 तक रहने वाला है। सर्वार्थ सिद्धि योग अत्यंत शुभ योग माना गया है। यह योग सभी कार्यों की सिद्धि के लिए माना गया है। आज के दिन चांद छठ व्रत भी है। आज के दिन को रक्षा पंचमी के नाम से भी जानते हैं। भगवान विष्णु सभी का मंगल करें, इसी कामना के साथ हम शुरू करते हैं पंचांग। वार शुक्रवार, विक्रम संवत 2078, शक संवत 1943, माह भाद्रपद माह, पक्ष कृष्ण पक्ष, तिथि पंचमी तिथि जो कि शाम 6:49 तक रहेगी, नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र, योग वृद्धि योग जो कि अत्यंत शुभ योग माना गया है, करण तैतेल करण। आइए बात करते हैं सूर्य और चंद्र से संबंधित गणनाओं की। सूर्योदय प्रातः 6:00, सूर्यास्त शाम 6:44। सूर्यदेव स्वराशि सिंह राशि से गोचर कर रहे हैं। चंद्रोदय रात 9:50। चंद्रास्त बात करें अगले दिन सुबह 11:00 तक। चंद्र राशि की बात करें यानी चंद्रदेव किस राशि से संचरण कर रहे हैं, वो राशि है मेष राशि, जिसके स्वामी माने जाते हैं मंगलदेव। मंगल और चंद्र मित्र माने गए हैं। बात करते हैं शुभ समय की। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:24 से और 5:12 तक रहेगा। अपने ईष्ट देव की आराधना, मंत्र जाप, मंत्र सिद्धि और स्वयं सिद्धि के लिए ब्रह्म मुहूर्त अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। बात करें अभिजित मुहूर्त की, कोई भी शुभ कार्य हम शुरू करना चाहते हैं तो हम उसे अभिजित मुहूर्त में शुरू कर सकते हैं। अभिजित मुहूर्त 11:57 से और 12:48 तक रहने वाला है। बात करते हैं दिन के चौकड़िए की। सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं सूर्योदय से, यानी चरका चौकड़िया सुबह सुबह 6:00 से लेकर और 7:36 तक रहेगा। चरका चौकड़िया सामान्य समय माना गया है। चर के बाद बात करें लाभ का चौकड़िया, 7:36 से और सुबह 9:11 तक रहेगा। लाभ का चौकड़िया भी अच्छा चौकड़िया माना गया है, शुभ चौकड़िया माना गया। लाभ के बाद अमृत, अमृत का चौकड़िया सुबह 9:11 से 10:47 तक रहेगा। अमृत का चौकड़िया अच्छा है, शुभ चौकड़िया है। इन चौकड़ियों में हम अपने शुभ कार्य शुरू कर सकते हैं। अमृत के बाद काल, जो कि 10:47 से 12:22 तक रहेगा दोपहर में। काल का चौकड़िया अशुभ समय माना गया है। काल के बाद शुभ 12:22 से दोपहर 1:58 तक रहेगा। शुभ का चौकड़िया शुभ समय है। शुभ के बाद रोग 1:58 से और 3:33 तक रहेगा। रोग का चौकड़िया अशुभ समय माना गया है। रोग के बाद उद्वेग 3:33 से और 5:08 तक रहने वाला है। उद्वेग का चौकड़िया भी अशुभ समय माना गया है। उद्वेग के बाद चर 5:08 से शाम 6:44 तक रहेगा। चर का चौकड़िया सामान्य समय माना गया है। कोई भी शुभ कार्य अगर हम शुरू कर रहे हैं तो हम उसे शुभ चौकड़ियों में उस कार्य को शुरू करना चाहिए। रोग, काल और उद्वेग इन अशुभ चौकड़ियों में अपना कोई भी शुभ कार्य, कोई भी शुभ यात्रा हमें शुरू नहीं करनी चाहिए। आइए बात करते हैं राहु काल और गुलिक काल। राहु काल और गुलिक काल ज्योतिष शास्त्र में दोनों समय को अत्यंत अशुभ समय माना गया है। किसी भी शुभ कार्य में इन दोनों समय को सम्मिलित नहीं किया जाता। कोई भी शुभ यात्रा, कोई भी शुभ कार्य की शुरुआत भी इन दोनों समय में नहीं की जाती। आज के दिन राहु काल सुबह 10:30 से 12:00 तक रहेगा। बात करें गुलिक काल की तो सुबह 7:30 से और 9:00 तक गुलिक काल रहने वाला है। राहु काल और गुलिक काल इन दोनों समय को हमें शुभ कार्यों में टालना चाहिए। आइए बात करते हैं दिशाशूल की, यानी आज के दिन हमें किस दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए। तो आज के दिन का दिशाशूल है पश्चिम दिशा। जातकों को पश्चिम दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए। फिर भी अगर वे यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा से पहले जौ से बने हुए पदार्थों का सेवन अवश्य करें, ताकि दिशाशूल का परिहार हो सके और आपको आपके कार्य के अनुरूप सफलता प्राप्त हो। बात करते हैं शुभ राशियों की, यानी 27 अगस्त के दिन कौन कौन सी राशियां शुभ राशि रहने वाली हैं, चंद्रमा किन किन राशियों को अपना बल प्रदान कर रहे हैं। तो आज की शुभ राशि है मेष, मिथुन, कर्क, तुला, वृश्चिक और कुंभ राशि।
ये शुभ राशि रहने वाली है। आइए बात करते हैं आज जो भी जातक जन्म लेंगे उनके नामाक्षर, जन्म राशि और जन्म पाए की। बात करें जन्म राशि की तो सभी की मेष राशि रहने वाली है क्योंकि चंद्रमा गोचर में मेष राशि में संचरण कर रहा है। बात करें नामाक्षर की तो उनके नामाक्षर होंगे चे, चो और ला। जन्म पाए की बात कर रहे हैं तो उनका सभी का स्वर्ण का पाया रहने वाला है। धन्यवाद।